हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दूना फिजिक्स एकेडमी। आरएएमसी एग्जामिनेशन के लिए वी वर डूइंग सिनोनिम क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके सेंटेंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से एक वर्ड आपको अंडरलाइन दिया गया होगा एंड देन फोर ऑप्शंस आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर मीनिंग। एक और चीज़, जब हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इट सिंपली मीन्स सिमिलर मीनिंग। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब है, जो आपका क्लोजेस्ट मतलब वाला जो आपका वर्ड होगा दैट यू हैव टू चूज। और यही चीज़ किसके लिए ट्रू है? एंटोनिम्स के लिए, राइट? आपको वो ऑपोजिट मीनिंग है विच इज़ द नियरेस्ट, ठीक है, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योर सेल्फ। आप NDA, CDS, RAMC, RMS या फिर FCAT, सैनिक स्कूल, ऐसे कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दून ऑफिसर्स अकेडमी जो है उनके फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए आप इनरोल करा सकते हो। जो आपको नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, राइट? कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट आते तब भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगेन, हर बार जैसे कि बोला जाता है कि जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं, एक बार आप खुद जो आंसर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, एक आंसर अपना रेडी रखो, उसके बाद जो आपका आंसर डिस्कस कराया जाएगा उसको मैच करो कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। आपका आरएएमसी का एग्जाम जो है वो आपका जून में है, तो अभी आपके पास टाइम है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम टॉपिक कवर करने का ट्राई करो एंड जो भी टाइम अभी है उसको यूटिलाइज करो टू इट्स मैक्सिमम, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ। अब जो पहला क्वेश्चन है टुडे इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैव सीज्ड Authorities have seized. Now the underlined word is seized. You have to tell the meaning or the synonym for the word seized. A large consignments of drugs. अब जो आपको options दे रखे हैं, first is destroyed. Grasped, object, confiscated, and the last is stopped. The airport authority have seized a large consignment of drugs. ठीक है, अब एक बार जरा ऑप्शंस देखना, यू हैव टू चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग। सीज का मतलब होता है कोई चीज छीन लेना, जैसे कि सीज्ड द प्रॉपर्टी, मतलब क्या है, वो उनसे क्या ली, हथियार ली या छीन ली, ठीक है। अब जरा ऑप्शन देखो, डिस्ट्रॉयड, व्हेन यू सीज समथिंग, जरूरी नहीं है कोई चीज़ अगर आप छीन रहे हो तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, राइट? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रैप्स्ड का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रैप करना, ठीक है, जब आप कोई चीज़ पकड़ के ग्रिप बना रहे हो दैट इज ग्रैप्स्ड, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन क्या है, कॉन्फिस्केटेड और स्टॉप्ड। सीज्ड रोकना नहीं होता, कॉन्फिस्केटेड का भी अगेन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब आप छीन लेते हो। तो सिनोनिम के अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द बी पार्ट, स्टॉप नहीं होगा, राइट? जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, सिनोनिम या एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर कि अपना शॉर्ट नोट भी बनाते जाओ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव सीरियस misgivings about taking up the job. All right, now the options are doubts, objections, fear, and the last one is difficulties.
अरे. नाउ द स्टेटमेंट सेज आई हैव सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट टेकिंग अप द जॉब, राइट. इवन वेन यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली डिराइव द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, राइट, पर उसको आपको किसने सेंटेंस के फॉर्म में यूज किया गया, तो एक बार आप वहां से भी थोड़ा कर सकते हो. आई हैव सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट टेकिंग अप द जॉब. नाउ वी हैव डन, जहाँ पे हम वोकैबुलरी की इथमोलॉजी पढ़ रहे थे, मतलब कोई एक वर्ड कैसे ऑरिजिन होता है. जब भी किसी वर्ड के आगे मिस लग जाता है तो दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड, ठीक है. तो मिसगिविंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को लेके सेप्टिक हो, मतलब डाउटफुल हो, तब क्या है मिसगिविंग्स. अगर आप सेंटेंस में भी मतलब निकालोगे तब भी उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो आपके जॉब है उसके क्या है बिट डाउटफुल, है ना, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग. नाउ ऑप्शंस देखो, ए ऑप्शन में आपको डाउट दे रखा है, पर एक इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस जो आपके ज़्यादा सूटेबल है वो भी एक बार चेक कर सकते हो. ऑब्जेक्शंस, डिफिकल्टीज, फियर, ठीक है. डाउटफुल डजंट नेसेसरीली मीन दैट यू आर फियरफुल, ठीक है. तो फियर आपका एलिमिनेट हो गया. नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ऑब्जेक्शंस और दूसरा क्या है आपका डिफिकल्टीज. ऑब्जेक्शन का मतलब होता है जब आप कुछ चीज़ पॉइंट आउट करते हो, राइट. मिसगिविंग्स में आपके खुद के डाउट है, यू आर नॉट पॉइंटिंग इट आउट. डिफिकल्टीज का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को लेके कोई परेशानी, ठीक है. तो आपका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द ए पार्ट विच इज डाउट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, the man of unsound mind, the man of unsound mind, he was exasperated, from all responsibilities. Now the word is exasperated, for his actions, right. Up options kya de rakhe, exculpated. Next is infuriated, excused, and the last one is liberate. The man of unsound mind, he was exasperated from all responsibilities for his action. Unsound mind का मतलब क्या है, someone who is just जो अपने senses में नहीं होता, someone who is mentally ill, ठीक है. तो उसके लिए क्या बोला गया है, the man of unsound mind, he was exasperated from all responsibilities for his actions. Exasperated का मतलब होता है when basically exasperated from all, मतलब किसी चीज़ से जब आप थक जाते हो, है ना, when you are tired of doing something, ठीक है. अब options देखो, exculpated, infuriated, excused, liberate. Infuriated में ना एक word अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, furious, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो किसी चीज़ को लेके, right? तो उसके लिए क्या word use करते हैं हम, infuriated. मतलब एक तो होता है furious और एक होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, when you are mad, angry about something, तो उसके लिए हम एक word use करते हैं infuriated, ठीक है. तो फिर है liberate, है ना, आप जब books वगैरह भी पढ़ते हो तो liberate word specially आपके freedom struggle के regard में हमेशा आता है. तो liberate का मतलब क्या होता है, when you are free, किसी चीज़ को क्या करना, liberate करना, मतलब उसको free करना, to provide freedom, ठीक है. तो liberate का सीधा मतलब क्या निकल के आया, freedom और to free someone. Excused, you must have, जब भी आप question पूछते हो तो आप ये चीज़ बोलते हो ना, excuse me, so what do you mean by that, इसका मतलब क्या आप बोलते हो, प्लीज़ फगिव मी, है ना, यही चीज़ तो आप बोलते हो. तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, टू फगिव और टू पार्डन, ठीक है.
एग्जास्परेट का मतलब क्या बताया है कि वेन यू आर टायर्ड, ठीक है। एक्सकल्पेटेड का मतलब भी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, ठीक है। सी कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके सिर्फ इस एग्जाम में नहीं बट दूसरे एग्जाम में भी आए हैं। एग्जास्परेटेड एक ऐसा वर्ड है जो आपने एनडीए लेवल एग्जाम में भी ये वर्ड आपने देखा होगा। कुछ वर्ड जो होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं, सिर्फ डिफेंस एग्जामिनेशन में नहीं, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर एग्जामिनेशन, एसएससी लेवल के भी हो गए, बैंक में भी हो गए, तो कुछ ऐसे हैं वर्ड जो कई बार आपके रिपीट हुए। डिस एरे हो गया, राइट, एग्जास्परेटेड इज वन ऑफ देम। तो उसके रिलेटेड अगर कोई वर्ड अगर आपको पता है तो वो भी कहीं पर आप एक पेज में नोट डाउन करके रखो, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तब उस टाइम पर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा याद नहीं रहती। अगर आपके पास रिटन नोट्स हैं देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर शुड बी द ए पार्ट, दैट इज एक्सकल्पेटेड, मतलब बहुत थक जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या था कि दैट मैन, वो क्या था कि काफी कुछ थक चुका था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज नोन टू बी प्रोलिफिक राइटर, ही इज नोन टू बी प्रोलिफिक राइटर। पहला है वर्सटाइल, नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव, ग्रेट एंड लास्ट इज पावरफुल। ही इज नोन टू बी प्रोलिफिक राइटर। अगर देखो वर्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे प्रो और लाइफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेटिंग टू लाइफ। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग लाइफ, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो क्या है, फर्टाइल है, जो किसी बेसिकली दैट गिव बर्थ टू एनी लिविंग बींग। जैसे कि आप लैंड के रिगार्ड में बात करते हो कि आप बोलते हो ना कि इट्स अ बैरन लैंड, उसका मतलब क्या है, बंजर जमीन। अगर मैं बोलती हूँ प्रोलिफिक मतलब क्या है, फर्टाइल लैंड, मतलब जो क्या है, किसी एक लिविंग बींग को जन्म दे सकती है। अगर आपकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ है, उसमें ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी का सप्लाई इनफ है, तो आप देखोगे वो क्या करती है, खेत आप वहीं पे उगाते हो। इवन इफ लुक एट द, अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो भी सभ्यता बसी है, जो भी सिविलाइजेशन आप देखोगे, वो हमेशा नदी के आसपास बसती थी, राइट। इंडस वैली की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहाँ थी, आपके इंडस के आसपास थी, राइट। क्यों क्यों, क्योंकि वो लैंड क्या होती है, फर्टाइल लैंड होती है, और पहले क्या थे हम, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, राइट। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, जो आपके लाइफ देती है, ठीक है, समथिंग विच गिव्स बर्थ। अब गिव बर्थ का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ जो प्रोडक्टिव होगी, फर्टाइल होगी, तो प्रोलिफिक का मतलब क्या निकल गया, समथिंग विच इज़ फर्टाइल। अब ऑप्शंस पे जरा आ जाते हैं। वर्सेटाइल, हमने एक बार पहले भी वर्सेटाइल वर्ड कवर किया है, वहां पे एक वर्ड यूज किया था डायनेमिक। कुछ इस टाइप के जो वर्ड है ना, मतलब वर्सेटाइल का एक और आप सिनोनिम वर्ड याद रख लो, डायनेमिक, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रेट। अच्छा, एक और चीज़, ग्रेट फुल में बच्चे बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, और ये एक बार आरएएमसी का ही क्वेश्चन है, वेयर द करेक्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रेटफुल। फिलअप वाला क्वेश्चन था, उसमें ग्रेटफुल था, तो उसमें सारे ऑप्शन तो याद नहीं है, बट एक ऑप्शन था आपका ग्रेटफुल, एंड देन देयर वॉज GRATEFUL। करेक्ट स्पेलिंग ये होती है GRATEFUL, बहुत बार बच्चे ये करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा स्पेलिंग जो तो कंफ्यूजिंग वाले स्पेलिंग है, वो एक बार जरूर देख के जाना, राइट। तो ग्रेट नहीं हो सकता। देन प्रोडक्टिव एंड पावरफुल, सी फर्टाइल और प्रोलिफिक हैज नथिंग रिलेटेड विद द पावर, ठीक है। तो एक ही बचा प्रोडक्टिव। फर्टाइल लैंड होती है, अगर कोई भी चीज़ फर्टाइल है तो वो क्या करेगी, कुछ प्रोड्यूस करेगी, है ना।
राइट, इवन इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम जमीन की जब हम बात कर रहे थे, फर्टाइल लैंड है तो वो क्या करेगी, खेत जो है या फिर आपके अनाज उगाने के लिए क्या होगी, तो दैट इज़ अ प्रोडक्टिव लैंड. सो फॉर द वर्ड प्रोलिफिक मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव या फिर कोई चीज़ जो आपकी क्या है, उपजाऊ है, फर्टाइल है. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट, दैट इज़ प्रोडक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर. ही ट्राइड टू एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर, ऑफ हिज नेबर. ठीक है, वर्ड क्या है आपका, एलिवेट. अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं. फर्स्ट इज अबेट, डेसिपेट, रिमूव और लास्ट है आपका रिलीव. ही ट्राई टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर. अब एलिवेट का मतलब होता है कुछ चीज कम करना, टू लेसन समथिंग. ठीक है, किसी चीज को कम करना. ठीक है, नो, लेसन से बेटर एक वर्ड होगा कि टू रिमूव समथिंग. ठीक है, राइट. ठीक है, नाउ ऑप्शन दूसरा, पहला क्या ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट इज अबेट. अबेट का मतलब होता है कोई चीज कम करना. डेसिपेट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज डिस्पर्स करना. ठीक है, राइट. मतलब मान लो कि डिसिपेट, डिस्पर्स करना का मतलब, आप असेंबली वगैरह होती है ना, तो उसमें कमांड आती है डिस्पर्स, मतलब क्या है, सब क्या जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, राइट. रिमूव या रिलीव, रिलीव का मतलब देखो, जब आप किसी को रिलीव करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको वहां से, उस जगह से हटा रहे हो. ठीक है, तो एलिवेट के अगर अप्रोप्रिएट सिनोनिम की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, रिमूव. ठीक है, अगर रिमूव नहीं होता तब आप अबेट वर्ड जो है वो चूज कर सकते थे, राइट. सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज रिमूव समथिंग. कई बार ऐसे होते हैं कि दो ऑप्शंस में आपके थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए, तो वो वाला ऑप्शन चूज करना जो आपका सबसे नियरेस्ट मीनिंग में है. ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द सिनोनिम प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट वी हैव डन फॉर आरएएमसी एग्जामिनेशन. इनफैक्ट आप कोई भी एग्जाम के लिए कर रहे हो तो आपको सिनोनिम और एंटोनिम वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में हमेशा ही आते हैं, राइट. आप कोई भी एग्जाम देख लो, हम आपके ये वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस आएंगे ही. सो फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, उस व्यू पॉइंट से भी ये आपके लिए टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.